वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना, तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेब ब्राउजिंग के लिए कुछ टिप्स और कुछ कीबोर्ड कमांड्स के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि कई बार हम वेब ब्राउजिंग करते हैं लेकिन हमें सही चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। ओके, वेब ब्राउजिंग में, तो इससे पहले भी वेब ब्राउजिंग पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने कई सारे कीबोर्ड कमांड्स के बारे में मैंने बात की है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। ओके, तो वेब ब्राउजिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए अपने सिस्टम में। मेरे में कनेक्टेड है फिलहाल। तो जब वेब ब्राउजिंग की बात आती है तो सबसे पहले इस वेब ब्राउजिंग में, वेब ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि इंटरनेट में कुछ ना कुछ सर्च करना, एक्सप्लोर करना। ओके, अब ये जो सर्च करेंगे या फिर एक्सप्लोर करेंगे या फिर ब्राउजिंग करेंगे, इसमें किसी ना किसी वेब ब्राउजर का रोल होता है। बिना वेब ब्राउजर के इंटरनेट को एक्सेस करना डिफिकल्ट है या फिर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अभी इस समय कई तरह के वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, जिसमें गूगल का एक क्रोम ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके अलावा फायरफॉक्स, इस तरीके के कई सारे ब्राउज़र अवेलेबल हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ बेसिकली गूगल का क्रोम ब्राउज़र और माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, तो अभी यहाँ पर मेरा लैपटॉप ऑन है। ओके, तो जब हमें मान लो कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं विंडोज प्लस आर से। ओके, फिर वहां पर हम वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो वेबसाइट ओपन हुई है वो उसी ब्राउजर में ओपन हुई है जो ब्राउजर मेरे सिस्टम में डिफॉल्ट है। जैसे कि मेरा अभी जो मेरे सिस्टम में जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। अगर मैं रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू ओपन करूंगा कोई भी वेबसाइट तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि गूगल क्रोम में ओपन हो तो वो नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि डायरेक्टली उस ब्राउजर को ओपन करना होगा जिस ब्राउजर में हम वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं क्रोम में ओपन करना चाहता हूं तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूं। यहां पे एंटर प्रेस करता हूं। एंटर सिलेक्टेड लैंड एड्रेस एंड सर्च बार एडिट लैंड टाइप एंड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस एल। देखिए यहां पर ये ओपन हो चुका है ब्राउजर, और कर्सर कहां पे है, एड्रेस बार पे। जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हम एड्रेस बार में ही टाइप करते हैं। ओके, कहीं और टाइप नहीं करना, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। पहली बात तो आपको पता है वर्चुअल पीसी कर्सर में टाइप नहीं होता। ओके, उसके लिए हमें पीसी कर्सर चाहिए और फिर ओपन भी नहीं होगा। तो एड्रेस बार में आपको एड्रेस टाइप करना है वेबसाइट का। अगर कर्सर आपका कहीं और होता है, एड्रेस बार में नहीं होता, तो आप ऑल्ट प्लस डी प्रेस करके एड्रेस बार में आ सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करूँगा। यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं www.zoohacanara.bank.com। यहाँ मैंने टाइप किया www.canarabank.com। ओके, ये मैंने केनरा बैंक की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ।
Enter, land, personal banking, vertical bar savings accounts, vertical bar loan, vertical bar Canara Bank, personal banking, vertical bar savings accounts, vertical bar loan, vertical bar Canara Bank. Page has one frame, one region, 50 headings and 161 links. There are 15 smart glance highlights on this page. Personal banking, vertical bar savings accounts, vertical bar accounts. तो देखिए हमारा जॉज कितना इंटेलिजेंट है, जैसी वेबसाइट ओपन होती है सब कुछ डिटेक्ट करके हमें अनाउंस करता है कितने लिंक्स है, कितने हेडिंग्स है, कितने बटन्स हैं, कितने बहुत सारी चीज़ें जॉज हमें बताता है। और जैसे ही ओपन होता है जॉज रीड करना स्टार्ट कर देता है। जॉज को स्टॉप करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो जॉज अनाउंस करना बंद कर देगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये क्या है कि ये वेबसाइट सेम टैब में ओपन हुई है। आपको पता है ना अलग अलग टैब होते हैं, जब हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो अलग अलग टैब में ओपन कर सकते हैं, या फिर सेम टैब में ओपन कर सकते हैं, या फिर एक न्यू विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे अभी एक एक करके। तो अभी ये सेम टैब में ओपन हुआ है। आपको पता है करंट टैब को क्लोज करने की कमांड क्या होता है, कंट्रोल प्लस F4 और कंट्रोल प्लस W, ये दोनों कमांड में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अभी अगर मैं चाहूँ कि ये केवल केनरा बैंक की वेबसाइट क्लोज हो जाए और ब्राउजर ओपन रहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सेम टैब में ओपन है। ओके, इस ऐसा करने के लिए हमें ये जो वेबसाइट है इसे एक न्यू टैब में ओपन करना होगा। ओके, तो अभी जैसे मैं क्लोज करंट टैब की जो कमांड है उसे मैं अगर यहाँ दूंगा कंट्रोल प्लस F4, जो देखिए ये पूरा क्लोज हो जाएगा। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस F4, आप कंट्रोल प्लस W भी प्रेस कर सकते हैं। क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो डेस्कटॉप फोल्डर व्यू लिस्ट व्यू गूगल क्रोम 11 ऑफ, देखा आपने ये मेरा कर्सर डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ चुका है। ओके, तो मैं अगेन क्रोम ओपन करता हूँ। एंटर एड्रेस एंड सर्च बार एडिट लैंड टाइप एंड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस L, एड्रेस बार आ चुका है। अब यहाँ फिर से मैं टाइप करता हूँ केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com selected। ओके, तो जो हम टाइप करते हैं उसे हमारा जो ब्राउजर है वो याद रखता है और वो हमें प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर केनरा बैंक आ चुका है, मुझे टाइप नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करने के लिए ध्यान रखिए एड्रेस बार के थ्रू न्यू टैब में ओपन करने के लिए कोई भी चीज कमांड देना होता है Alt प्लस एंटर। मैं प्रेस करता हूँ Alt Enter Untitled Dash Google Chrome Gateway Visited Remove Netscaler Gateway Page Has No Links New Tab Google Drive Visited Remove Google Drive Inbox Left Parent 4 Right Parent Visited Remove Inbox Left Parent 4 Right Parent Google Drive Visited Remove Google। ये कुछ और पढ़ने लगता है लेकिन वेबसाइट खुली है। Title is Personal Banking Vertical Bar Savings Accounts Vertical Bar Loan Vertical Bar Canara Bank Dash Google Chrome। देखा, तो ये जॉस कहीं और पहले का पढ़ने लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप कंफ्यूज मत होना कि वेबसाइट खुली नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर केनरा बैंक की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये न्यू टैब में ओपन हुई है। ओके, लिस्ट ऑफ 9 आइटम्स लिंक टेक्स्ट साइज कोलन। ओके, देखिए आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं वेबसाइट को। अभी अगर आप क्लोज करंट टैब की कमांड अगर आप यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे काम करेगा। जैसे देखिए मैं कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करता हूँ। क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो न्यू टैब गेटवे विजिटेड रिमूव नेटस्केलर टू। देखिए यहाँ पर मेरा जो क्रोम है वो ओपन है, वो नहीं क्लोज हुआ। देखिए फोकस मस्ट बी इन द वेब डायलॉग और डॉक्यूमेंट द टाइटल इज न्यू टैब डैश गूगल क्रोम। ओके, ये ओपन है। ओके, इस तरीके से आप यूज करेंगे न्यू टैब का। अगेन मेरा अभी कर्सर कहीं और चला गया है तो मुझे एड्रेस बार में जाना है, तो मैं Alt प्लस D प्रेस करूंगा। Alt D एड्रेस एंड सर्च बार एडिट लैंड टाइप एंड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस L। यहां मैं फिर से वही ओपन करता हूं www.canarabank.com selected। मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा। Alt Enter New Tab Page New Tab Document Untitled Dash Google Chrome New Tab Personal Banking Vertical Bar Savings Accounts Personal। ओके, तो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। List of non-link texts down arrow से जाएंगे तो Link A plus Link A Link A dashboard Link color theme dark default default links Link graphic pages select। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। List end available in colon List of one items hit the button List end edit। ओके, तो ये इंग्लिश इसने ले रखा है। Escape virtual key।
यहाँ पर अगर ना आप पहली बार ओपन करेंगे तो शायद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा ये। तो अभी देखिए यहाँ पर ये न्यू टैब में ओपन है। अब अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट क्लोज भी ना हो और आप क्रोम अपने जो ब्राउजर है उसमें आप जा सकें, तो ये भी पॉसिबल है न्यू टैब। अगर आप न्यू टैब में ओपन करते हैं तो कैसे, आप कंट्रोल प्लस टैब का यूज करिए। कंट्रोल प्लस टैब, मैं प्रेस करता हूँ न्यू टैब, न्यू टैब। देखिए हम गूगल क्रोम में आ चुके हैं। टाइटल इज न्यू टैब डैश गूगल क्रोम। ओके, इस तरीके से अगेन आपको जाना है वेबसाइट पे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट टैब या फिर कंट्रोल प्लस टैब अगेन आप प्रेस कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि कंट्रोल प्रीवियस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट टैब और नेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस टैब, ऐसे काम करता है। ओके, तो मैं अगेन जाता हूं वेबसाइट पे। पर्सनल बैंकिंग वर्टिकल बार सेविंग्स अकाउंट्स वर्टिकल बार लोन वर्टिकल बार एस्केप वर्चुअल पीसी। देखिए हम अगेन कैनरा बैंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ ओपन करता हूँ। पर्सनल बैंकिंग वर्टिकल कैनरा बैंक लोगो लिंक ग्राफिक अबाउट यूएस लिंक कस्टमर फीडबैक लिंक। चलो ये कस्टमर फीडबैक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर कैनरा बैंक कस्टमर फीडबैक डैश शेयर योर एक्सपीरियंस विजिट लिंक कस्टमर फीडबैक पेज हैज टू रीजंस 7 हेडिंग्स एंड 90। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये कैनरा बैंक कस्टमर फीडबैक डैश शेयर योर, पहले आपको याद होगा कि पहले जो इसका टाइटल है वो पर्सनल बैंकिंग करके कुछ आ रहा था, अभी आ रहा है टाइटल इज कैनरा बैंक कस्टमर फीडबैक डैश शेयर कैनरा बैंक कस्टमर फीडबैक, ऐसे आ रहा है, यानी कि ये ओपन हो चुका है। अब जो भी आप जो मान लो मैंने कस्टमर फीडबैक को ओपन किया है, अभी तो मेरा कर्सर टॉप पर है, अब वहां तक जाने के लिए अगर डाउन एरो से मैं जाता हूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो यहां पर क्या करना है, या तो आप एच प्रेस करिए। देखिए एच प्रेस करता हूं, कस्टमर फीडबैक हेडिंग लेवल 1, डायरेक्टली हम वहीं पर आ चुके हैं क्योंकि ये हेडिंग है ये, तो एच प्रेस करके आप यहां पर आ सकते हैं। कोई भी इस तरीके से ओपन करते हैं तो आप इस तरीके से आ सकते हैं, डाउन एरो से बहुत टाइम लगेगा। ओके, टैब से भी नहीं आना, टैब केवल लिंक के लिए होता है, टैब और शिफ्ट टैब लोग ऐसे ही करते हैं, टैब प्रेस करना शुरू करते हैं तो इससे फिर ब्राउजिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आप एच प्रेस करके हेडिंग का कमांड देना है आपको एच प्रेस करके, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे मैं टॉप पे जाता हूं कंट्रोल होम से। ओके, कर्सर अभी टॉप पर आ चुका है। आप नॉन लिंक टेक्स्ट का कमांड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो होता है एन, ओनली एन। ओके, कर्सर आपका वर्चुअल पीसी कर्सर होना चाहिए। मैं एन प्रेस करता हूँ। डार्क डिफॉल्ट चेक बॉक्स नॉट चेक्ड, अवेलेबल इन कोलन, डिपॉजिट्स, हेडिंग लेवल 1 कस्टमर फीडबैक। ये देखिए आ चुका है कस्टमर फीडबैक पे। ओके, नॉन लिंक टेक्स्ट जो होते हैं वो उसके लिए हम एन का यूज करते हैं। लिस्ट ऑफ 6 आइटम्स, हेडिंग लेवल 2 फीडबैक ऑन कस्टमर सर्विस। अब यहाँ पर डाउन एरो से आप जाके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे बैक जाना है, मुझे होम पे जाना है, तो यहाँ पर एक होम की लिंक आता है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे विजिटेड लिंक कस्टमर फीडबैक, विजिटेड लिंक ग्राफिक कैनरा बैंक लोगो, विजिटेड लिंक कांटेक्ट अस, विजिटेड लिंक होम ग्रेटर। ये देखिए होम आया, यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तब भी जो होम है वेबसाइट का जो होम पेज है वो आ जाएगा। लेकिन आपने मान लो 2-3 टैब ओपन कर रखा है, तब बैक जाने के लिए आप ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो बैक जो प्रीवियस वाला पेज है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। जैसे मैं देखिए प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, बैक बोला, देखते हैं बैक आया क्या। पर्सनल बैंकिंग वर्टिकल, देखिए अब आ चुका है। अभी आप टाइटल चेक करिए, टाइटल इज पर्सनल बैंकिंग वर्टिकल बार सेविंग्स अकाउंट्स वर्टिकल बार लोन वर्टिकल बार। देखा, पहले बोला था कस्टमर फीडबैक, हम बैक आ चुके हैं। अब अगेन आपको फॉरवर्ड अगर जाना है, तो आप ऑल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे। देखिए मैं प्रेस करता हूं फॉरवर्ड, कैनरा बैंक कस्टमर फीडबैक डैश शेयर योर एक्सपीरियंस विजिटेड लिंक कस्टमर, फॉरवर्ड बोला, और देखिए ये हम अगेन हमारा वही कस्टमर फीडबैक वाला पेज आ चुका है। टाइटल इज कैनरा बैंक कस्टमर फीडबैक। ओके, कस्टमर फीडबैक, इस तरीके से आप इन चीजों का यूज करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ, केवल वेबसाइट क्लोज करूंगा, ब्राउजर नहीं। क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो, न्यू टैब डैश गूगल क्रोम, न्यू टैब, विजिटेड लिंक गूगल ड्राइव। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये सारे मैंने शॉर्टकट बना रखे हैं। जैसे आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करते हैं ना, वैसे हम क्रोम में भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं।
ओके, जैसे कि रिमूव बट विजिटेड लिंक गूगल ड्राइव, मान लो ये जैसे कि गूगल ड्राइव है, न्यूज ऐप विजिट रिमूव बटन गूगल ड्राइव विजिटेड लिंक इन गूगल रिमूव विजिटेड लिंक गूगल ड्राइव, जैसे गूगल ड्राइव है, ये गूगल ड्राइव यहां मैंने सेव कर रखा है इसको क्रोम में, यहां से भी आप न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, एड्रेस बार से तो हमने देख लिया न्यू टैब ओपन करना, लेकिन कहीं और से आप न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, यहां पर ऑल्ट एंटर नहीं काम करेगा, ओके, ये आप ध्यान रखना। यहां पर आपको एप्लीकेशन की प्रेस करनी है, ओके, एप्लीकेशन की, या तो फिर शिफ्ट एफ टेन, शिफ्ट एफ टेन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू टू नेविगेट, प्रेस अप और डाउन एरो, ओपन लिंक इन न्यू टैब 107 T। देखिए आप पहले ही आ रहा है ओपन ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, यहां पर अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये जैसे पहले ओपन हुआ था वैसे ही न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन लिंक इन न्यू विंडो 207 W, डाउन एरो प्रेस किया तो ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो यहां पे आ गया है, अगेन डाउन एरो प्रेस करिए, ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो 307 G, ओपन लिंक इन ए इनकॉग्निटो विंडो, ये एक अलग से टैब होता है। तो जैसे मान लो इसके बारे में आपको बता देता हूं, आप देख लेना, ये जो इनकॉग्निटो विंडो होता है ये प्राइवेट विंडो होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी हम ब्राउजर में ओपन करते हैं उसका उसकी जो हिस्ट्री है वो सेव होती रहती है, आप क्रोम की हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं आपने क्या ब्राउज किया क्या ओपन किया, लेकिन जब इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करते हैं तो वो क्रोम जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर क्रोम को भी, वो उसमें सेव नहीं होता, एक प्राइवेट विंडो होता है ये इनकॉग्निटो विंडो, ओके, तो प्राइवेट विंडो की तरह हम इसको यूज करते हैं, तो ये आपके ब्राउजर में सेव नहीं होगा, लेकिन आप लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि ये कहीं सेव नहीं होगा, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP उसके पास हमारी सारी डिटेल होती है, ओके, तो ये नहीं सोचना कि हमारी डिटेल कहीं नहीं होगी, तो ये एक प्राइवेट विंडो होता है इनकॉग्निटो विंडो, ओके, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, ओपन लिंक इन न्यू टैब 107 T, यहां पर एंटर प्रेस करूंगा तो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, रिमूव विजिटेड लिंक amazon.in, मान लो चलो न्यू विंडो में ओपन करते हैं, शिफ्ट एफ10 कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डाउन एरो जाइए, ओपन लिंक इन न्यू विंडो 207 W, ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो, यहां पर एंटर प्रेस करते हैं, एंटर लिविंग मेन्यूज न्यू टैब डैश गूगल क्रोम विजिटेड लिंक amazon.in ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया कोलन शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल्स बुक्स वॉचेस शूज एंड मोर डैश amazon.in डिलीवरिंग टू दिल्ली 110 ऑनलाइन, ये amazon न्यू विंडो में ओपन हुआ है, ऑल टैब प्रेस करिए, देखिए ब्राउजर आपको अलग से मिलेगा, न्यू टैब डैश गूगल क्रोम टू मूव टू एन आइटम प्रेस द एरो कीज, न्यू टैब विजिटेड लिंक amazon.in, ये ब्राउजर है, फिर अगेन ऑल टैब प्रेस करना है, ऑनलाइन शॉप इनसाइड इन इंडिया कोलन शॉप ऑनलाइन, ये amazon की वेबसाइट है, तो इस तरीके से आप न्यू विंडो में भी ओपन कर सकते हैं, ओके, जिससे कि आप अलग-अलग विंडो में अलग-अलग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, ओके, तो जिससे कि अलग अलग मान लो कई बार जरूरत पड़ती है कि हम अलग अलग वेबसाइट ओपन करें एक साथ ही, दो तीन वेबसाइट में आप काम कर सकते हैं इस तरीके से, ओके, न्यू विंडो में। इसे इसको मैं क्लोज करता हूँ Amazon को, क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो न्यू टैब विजिटेड लिंक amazon.in, ओके, मैंने यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया है Amazon को, न्यू विंडो में ओपन करने की एक शॉर्ट कमांड भी होती है, रिमूव बट विजिटेड लिंक amazon.in, पहले मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे देखिए Shift F10 context menu to navigate, press up or down arrow, open link in new tab 107. जैसे ही आपने Shift F10 या फिर application press किया, उसके बाद आपको कोई भी arrow की नहीं press करना, कोई भी arrow की press नहीं करना, okay? आप new window में अगर आपको open करना है, तो सीधे आप W press करिए, W, arrow वगैरह नहीं press करना, ये ध्यान रखना है। W, leaving menus, new tab dash Google Chrome, visited link amazon.in, online shopping site in India, colon shop online for mobiles, books, watches, shoes and more dash amazon online. देखा आपने? इस तरीके से भी न्यू विंडो में आप ओपन कर सकते हैं, ऑल टैब प्रेस करता हूं, देखिए न्यू टैब डैश गूगल क्रोम टू मूव टू एन आइटम प्रेस द एरो कीज़, न्यू टैब, ये क्रोम ओपन है हमारा, टाइटल इज न्यू टैब डैश गूगल क्रोम, न्यू टैब, अगेन ऑल टैब प्रेस करता हूं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया कोलन शॉप ऑन, ये Amazon है, टाइटल इज ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ओके, इस तरीके से भी आप न्यू विंडो में ओपन कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं अगेन Amazon को, क्लोज डॉक्यूमेंट विंडो न्यू टैब विजिटेड लिंक amazon.in, ओके, न्यू विंडो में ओपन करने का शॉर्ट कमांड भी होता है, रिमूव बट विजिटेड लिंक amazon.in, यह है लिंक amazon.in, कोई भी वेबसाइट हो कहीं पर भी, वहां पर आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट एंटर, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया कोलन शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल्स बुक्स वॉचेस शूज एंड मोर डैश amazon.in डिलीवरिंग टू दिल्ली 110,000 ऑनलाइन, देखा मैं ऑल टैब प्रेस करता हूं,
News app dash Google Chrome. देखिए ये Google Chrome है. Title is News app dash Google Chrome. News app. Again Alt Tab press करता हूँ. Online shop inside in India colon shop online. ये Amazon है. Title is Online shop inside in India colon shop online for mobiles, books, watches, shoes and more. Okay. इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप ओपन कर सकते हैं. मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ. ओके आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज करिए. ओके ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. ओके कई बार कुछ काम नहीं करता, जैसे अभी देखा न्यू टैब वाला वहां पर काम नहीं कर रहा था, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. ओके तो मैं इसको क्लोज करता हूँ. अब यहाँ ऑल्ट फोर प्रेस करेंगे तब भी आपका क्रोम ओपन नहीं, क्रोम क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये न्यू विंडो में ओपन है अमेजोन की वेबसाइट में. क्रोम पे आ जाएंगे यहाँ पे. और इसमें एक चीज और है कि न्यू विंडो में जब ओपन करते हैं तो उसके बाद अगर आप क्लोज करते हैं उस वेबसाइट को तो कर्सर भी आपका कहीं और नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा. देखिए मेरा कर्सर वहीं पर है, अमेजोन पर ही है. Remove visited link amazon.in. कर्सर कहीं नहीं मूव हुआ, कर्सर मेरा वहीं पर है. ओके तो ये बढ़िया एक एडवांटेज है. इस तरीके से आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं. अब इसके अलावा चलो मान लो कि मुझे वेबसाइट का एड्रेस याद है इसलिए मैं ये ओपन कर ले रहा हूँ, या तो फिर मान लो मैंने सेव कर रखा है क्रोम में तब मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ. लेकिन अगर मान लो मुझे किसी वेबसाइट का एड्रेस मुझे नहीं पता तब कैसे होगा? तो उसके लिए आप गूगल ओपन करिए. जो हमारा कई तरह के सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, और भी हैं, लेकिन जो फेमस है और मोस्ट यूज़र फ्रेंडली कहें या फिर जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, तो गूगल बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है और एक्सेसिबल भी है. तो आप गूगल सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं. आप गूगल ओपन करिए. कैसे? देखिए ऑल्ट प्लस डी प्रेस करना है. आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं www.google.com google.com, या फिर आप डायरेक्टली google.com यहाँ पे टाइप कर दीजिए, खुल जाएगा. देखिए google.com google.com मैंने टाइप किया और यहाँ पर alt enter प्रेस करेंगे तो न्यू टैब में ओपन होगा, और केवल एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेम टैब में ओपन हो जाएगा. ओके तो मैं alt enter प्रेस करूंगा. alt enter news app page amazon.in link untitled dash google chrome visited link amazon.in google dash google chrome search region. तो यहाँ पे google chrome ओपन हो चुका है. ओके google search heist search edit combo collapsed set the value use the arrow keys or type the value. यहाँ पर हमारे पास google chrome google सर्च इंजन ओपन हो चुका है. यहाँ पर देखिए सर्च आता है. सर्च बाय वॉइस. अगर सर्च आपको नहीं मिलता google ओके नेविगेशन तो आप ई प्रेस करेंगे. सर्च एडिट कॉम्बो कोलैप्स्ड. देखिए ई आया, ई प्रेस किया तो एडिट बॉक्स आया. अब फॉर्म्स, अभी ये फॉर्म्स मोड ऑफ है तो इसे ऑन करना है. स्पेस सर्च एडिट कॉम्बो कोलैप्स्ड. स्पेस बार प्रेस करके आपको फॉर्म्स मोड ऑन करना है. ओके तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो आपको ओपन करना है. मान लो कि मुझे, मैं टाइप करता हूँ IN space Indian Premier League HNDEA video L NTH space MINISRSTRY Indian Health Ministry मुझे ओपन करना है. तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे सर्च पे क्लिक के. एंटर Indian Health Ministry - Google search. Search by voice button to activate. Press enter. Page has 5 regions, 31 headings and 56 links. Indian. देखिए जैसे ओपन होता है जॉस बताता है कितने हेडिंग्स है, कितने लिंक्स है, सब कुछ बताता है. अब आपको Indian कैसे आप सर्च करेंगे, डाउन एरो से जाएंगे यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा. आप हेडिंग का कमांड यूज करिए H. मैं H प्रेस करता हूँ. एक्सेसिबिलिटी लिंक्स हेडिंग लेवल 2. पहले एक्सेसिबिलिटी हेडिंग आता है. फिल्टर्स एंड टॉपिक्स हेडिंग लेवल 1. फिल्टर्स एंड टॉपिक्स. सर्च रिजल्ट्स हेडिंग लेवल 1. सर्च रिजल्ट्स. वेब रिजल्ट विद साइट लिंक्स हेडिंग लेवल 2. देखिए वेब रिजल्ट्स आता है ना इसके बाद. हेडिंग लेवल 3 लिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर - MOHFW. देखिए आया वेब रिजल्ट के बाद. हेडिंग लेवल 2 वेब रिजल्ट विद साइट लिंक्स. इसके बाद आप डाउन एरो प्रेस करिए. हेडिंग लेवल 3 लिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर - MOHFW. लिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. देखिए इसमें क्या होता है कि जो जो वेबसाइट्स एक्सेसिबल होती है ना उनमें क्या होता है कि पहले वो जो नाम होता है वो हेडिंग फॉर्म में लिखा होगा. हेडिंग लेवल 3 लिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. हेडिंग लेवल 2 वेब रिजल्ट विद साइट. हेडिंग लेवल 3 लिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर - MOHFW. उसका दो बार होगा, एक बार या तो फिर वो दोनों
दोनों बार लिंक के फॉर्म होगा या फिर एक बार नॉन टेक्स्ट लिंक होगा और एक बार लिंक के फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही लिंक के फॉर्म है तो ये भी ठीक है। Link Ministry of Health and Family Welfare. ये देखिए ये है, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेम टैब में ओपन हो जाएगी वेबसाइट। ओके अगर आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये न्यू विंडो में ओपन होगी। ओके https://main.mofu.gov.in ये देखिए ये मैंने एक बार और डाउन एरो प्रेस किया तो ये वेबसाइट का एड्रेस है। About this result button, https://main.mofu.gov.in ये वेबसाइट है मैंने इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की। About this result button, heading level 3, link cabinet minister. A ministry of health and family welfare is a ministry under the ... थोड़ा सा कोई भी वेबसाइट होती है तो थोड़ा सा उसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ओके हेडिंग लेवल 3 लिंक डायरेक्टरी ऑफ UHFW ये सब यहां पे दिया जाता है। एमएनएस हेडिंग लेवल 3 लिंक कैबिनेट मिनिस्टर अबाउट दिस रिजल्ट बटन लिंक http। अब अगर आपको इसको ओपन करना है तो कहीं पर भी एंटर प्रेस कर सकते हैं। देखिए मिनिस्ट्री https://main.mofu यहां पर भी आप एंटर प्रेस करेंगे सेम टैब में ओपन हो जाएगी, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो न्यू विंडो में ओपन होगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेडिंग लेवल 3 लिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर -ohfw Heading level 2 web result with site heading level 3 link ministry of health आप यहाँ पर भी एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर shift enter link ministry of health and family welfare यहाँ पर भी आप एंटर या फिर shift enter प्रेस कर सकते हैं ओपन करने के लिए। जैसे मैं shift enter main region ministry of health and family welfare -ohfw ministry of health and family welfare https://main.mofu.gov.in heading level 3 link home vertical okay देखिए यहाँ पर page has 2 regions 3 headings and 189 links there home ओपन हो चुकी है वेबसाइट ministry of Health and Family Welfare ऐसा कुछ करके है जो भी ये ओपन हो चुकी है। Title is Home Vertical Power Ministry of Health and Family Welfare Vertical Ministry of Health and Family Welfare की वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है। तो Google हमारा ओपन है, देखिए हमारा मेरा कर्सर भी वहीं पे होगा। मैं Alt Tab प्रेस करता हूँ। Indian Health Ministry -Google Search -Google Chrome to move to an item press the arrow keys. Indian Health Ministry -Google Search visit at heading level 3 link Ministry of Health and Family Welfare -ohfw देखिए देखा आपने आप यहाँ पर ये विजिटेड लिंक बोल रहा है क्योंकि इस लिंक को हम विजिट कर चुके हैं। ओके यहाँ पर ये लिंक अब विजिटेड हो गया है तो जहां पर आप लिंक विजिट कर लेते हैं वहां पर अगर आपको दोबारा वो लिंक ओपन करना है तो आप विजिटेड लिंक का कमांड देंगे वी। जैसे मान लो मेरा कर्सर अभी टॉप पर है, मैंने कंट्रोल होम से टॉप पर मैंने अपने कर्सर को कर लिया है, मान लो मुझे उस लिंक पे जाना जो मैंने ओपन किया है तो आप डायरेक्टली वी प्रेस करिए। Visit at heading level 3 link ministry of health and family welfare -ohfw देखिए बीच में जितना सारा था एक्सेसिबिलिटी अभी हमने देखा था ना एच प्रेस करके भी बहुत सारी चीजें आ रही थी डाउन एरो से और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन जैसे ही मैंने वी प्रेस किया डायरेक्टली कर्सर वहीं पर आ चुका है। ओके तो इस तरीके से आप कमांड्स का यूज करके और जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके अपने वेब ब्राउजिंग को सिस्टमेटिक और एक्सेसिबल बना सकते हैं। ओके वेबसाइट हमारी वहां पे ओपन है, अभी देखिए ऑल टैब प्रेस करता हूं मैं होम वर्टिकल पावर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके इसको आप क्लोज कर सकते हैं, आप या तो क्लोज करंट टैब का कमांड दीजिए उससे भी क्लोज हो जाएगा, ऑल्ट प्लस F4 से भी आप क्लोज कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, मान लो अगर आप अलग अलग टैब में अगर आपने ओपन कर रखा है वहां पर अगर आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो पूरा क्लोज हो जाएगा। ओके एक एक टैब आप कर अगर आपको ओपन कर क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस F4 या फिर कंट्रोल प्लस W का यूज करना है। ओके ऑल्ट प्लस F4 से सारा क्लोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये न्यू विंडो में ओपन है तो केवल वेबसाइट ही क्लोज होगी, गूगल नहीं क्लोज होगा। देखिए टाइटल इज होम वर्टिकल पावर मिनिस्टर। ओके मैं ऐसे क्लोज करता हूँ ऑल्ट प्लस F4 से, आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लोज करंट टैब का भी कमांड देंगे तब भी क्लोज जाएगा या फिर क्लोज ऑल टैब का कमांड होता है ऑल्ट प्लस F4 उससे भी ये क्लोज हो जाएगा। या गूगल हमारा ओपन है और कर्सर हमारा वहीं पर है। ओके इस तरीके से आप जिस टॉपिक के बारे में नहीं पता आप गूगल ओपन करिए और वहां पर आप सर्च आता है, सर्च पे आप टाइप कर दीजिए आपको वो चीज मिल जाएगी। कैसे सर्च करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे वहां तक आपको जाना है, कैसे मूव करना है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ गूगल को ऑल्ट प्लस F4 से। अब मान लो रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू अगर ओपन करना है तो विंडोज प्लस R प्रेस करना है
Windows R, run dialog, type the name of a program, folder, document or internet resource and Windows will open it for you, open. Okay, यहाँ पर बोल रहा है, जैसे ही ओपन होता है, हमारा जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, जॉज अनाउंस करता है कि आप यहाँ पे टाइप करिए वेबसाइट का एड्रेस या फिर कोई कमांड भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो भी खुल जाएगा, जैसे CMD हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे मैं टाइप करता हूँ www.google.com, मैंने गूगल की वेबसाइट टाइप की है, यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर, ओपनिंग न्यू विंडो, google-microsoft-edge, सर्च रीजन, सर्च एडिट कॉम्बो कोलैप्स्ड, सेट द वैल्यू, यूज द एरो कीज़ और टाइप द वैल्यू। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज में और अच्छा काम करता है हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम में भी करता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर जॉज देखा अभी जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आपने ध्यान दिया होगा, बोला होगा ओपनिंग इन अ न्यू विंडो, ये सब यहाँ पे अनाउंस करता है, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे या जब तक लोड होगा जॉज अनाउंस करेगा लोडिंग, स्टिल लोडिंग, इस तरीके से अनाउंस करेगा, जब पूरी वेबसाइट फाइनली ओपन हो जाती है तो वहां पर जॉज अनाउंस करता है लोडिंग फिनिश, ऐसा कुछ करके। तो माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत इम्प्रूव किया है एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत एक्सेसिबल हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज, आप इसको भी यूज करिए, इस ब्राउजर को भी। ओके, तो इस तरीके से आप रेंडर लॉक बॉक्स से के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, अगर वेबसाइट का एड्रेस आपको पता है प्रॉपर तो। ओके, तो हमने देख लिया ब्राउजर के थ्रू कैसे ओपन करते हैं या रेंडर लॉक बॉक्स के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई, आप इन सबको यूज करिए, अपने वेब ब्राउजिंग को, अपने वेब ब्राउजिंग को सिस्टमेटिक, एक्सेसिबल और ईजी बनाइए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, अगर सच में यूजफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। ओके, लाइक्स की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि सबके काम आ सके, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप वॉइस नोट में भी अपना कुछ फीडबैक दे सकते हैं या फिर कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।